Assalamualaikum viewers, this is Usman Bhatt from Titanium Group. जैसे आप लोगों को पता है टाइटेनियम ग्रुप ऑल ओवर पाकिस्तान आप लोगों को डेली बेसिस पे न्यू बुकिंग्स या ओल्ड बुकिंग की अपडेट्स को आगाह रखता है. आज का हमारा जो बेसिकली मेजर टॉपिक है ये है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान, स्पेशली इन मेजर सिटीज़ लाइक कराची, ग्वादर, इस्लामाबाद एंड लाहौर. ये चार मेजर शहर हैं इस टाइम पे जो रियल स्टेट को लीड कर रहे हैं इंटरनेशनली या नेशनल, जितने भी हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज या पाकिस्तानी नेशनल हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं. स्पेशली हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे ग्वादर से, क्योंकि ग्वादर, कराची ये हमारे इस टाइम पे इंटरनेशनल सिटीज़ से कंसीडर होते हैं. यहाँ पे ओवरसीज़ का पैसा आता है, ऑलरेडी लोगों ने यहाँ पे बहुत सा पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ग्वादर की एक लिटिल बिट्स ओवरव्यू देता चलूँ कि ग्वादर के अंदर लाइक 2015-16 में काफ़ी रियल स्टेट में पैसा इन हुआ था, लोगों ने लैंड परचेज की थी, लोगों ने उसमें प्रॉफिट भी गेन किया. उसके बाद काफ़ी वहाँ पे प्राइवेट सोसाइटीज़ थी जो हैं अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसके अंदर वहाँ पे लोगों ने मिनिमम अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट किया था. लाइक उसमें एक चीज़ मैं सिंपली आप लोगों को बताता चलूँ कि ग्वादर का अब लोग उन्होंने स्पेशली जो है वो सेक्टर फेज बना चुके हैं, फेज़ 1, 2, 3, जिसके अंदर उन्होंने मास्टर प्लान में उसको बाकायदा तौर पे ईयर्स के अंदर कंसीडर किया है कि 2030 में फेज़ 1 होगा, 50 में आपका फेज़ 2 होगा एंड 60 में जो है वो फेज़ 3 होगा. एंड मोर देन लाइक 80-70% सोसाइटीज़ हैं वो फेज़ 3 में कंसीडर होती हैं. सो ग्वादर में आज की डेट में अगर हम लोग रेकमेंड करेंगे तो इट विल बी लाइक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट. जो लोग लाइक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वहाँ पे तब हम कंसीडर करते हैं, अदरवाइज इतने ही बजट में जितनी ग्वादर में आप लोगों को सोसाइटीज प्राइजेस में मिल रही हैं उतने ही प्राइस में आप लोगों को इस टाइम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के प्राइवेट सोसाइटीज़ के अंदर भी जो लीगल स्टेटस हैं जिनके वहाँ पर आप लोगों को इंस्टॉलमेंट्स पे जो हैं वो चीज़ें मिल रही हैं. ग्वादर इज़ अ वेरी लाइक ब्यूटिफुल सिटी, यू नो ऑलरेडी दैट मास्टर प्लान भी उसका ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया, जिसमें जो है वो काफ़ी नेचुरली उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पाकिस्तानी किसी शहर में भी एग्जिस्ट नहीं करती. सो हम लोगों को इस टाइम पे जो ग्वादर है वो समझ लें कि 10% रेशियो है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट पे रेकमेंड कर रहे हैं. उसके बाद अगर आप लोग कराची में आए तो पाकिस्तान का क्योंकि सबसे बड़ा शहर है कराची, जिसपे आप लोगों का बहुत इंटरनेशनल मार्केट है, जहाँ पे बहुत सा पैसा है जो हमारे बाहर के मुल्क से कंसीडर होता है. अब अगर हम लोग कराची का कंसीडर करेंगे तो उसमें सबसे पहले बहरिया और DHA ही हैं जो टॉप लिस्ट होते हैं, जिनके आप लोगों को पूरी दुनिया से जिसमें पैसा आता है इन्वेस्ट होता है रियल स्टेट सेक्टर में. इस टाइम पे आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर से जब से गवर्नमेंट अनाउंस किया था रियल स्टेट को कमर्शियल सेक्टर में रिलीफ काफ़ी दिया था डेवलपर्स को, तो इस टाइम हमारा तकरीबन कोई 60-70% जितना भी डेवलपर और पैसा है रियल स्टेट में वो कमर्शियल सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहे हैं. अगर वहाँ पे अगर आप देखे जाएँ कि बहरिया टाउन के अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो इस टाइम कंस्ट्रक्शन हो रही है, ग्रे स्ट्रक्चर बन चुकी हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, बुकिंग्स हैं, डिफरेंट बुकिंग्स हैं जिसमें हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. वहाँ पर लाइक आप लोग 2 लाख से भी बुकिंग स्टार्ट हो रही है, वो आप लोगों की 2 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन इस तक बुकिंग्स जा रही हैं. वहाँ पे डिफरेंट प्लान्स हैं कमर्शियल्स के, रेजिडेंशियल के, और इसी तरह सेम एज लाइक DHA में भी, क्योंकि आप लोगों को DHA और बहरिया ही है जो एक पूरे रियल स्टेट को लीड करता है पाकिस्तान के अंदर. आफ्टर दैट अगर हम लोग इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद इज़ लाइक कैपिटल सिटी इन ओवर पाकिस्तान. सो इसमें हम लोगों का जो मेजर इस टाइम पे करंटली सिनेरियो बन रहा है कि वहाँ पे यू नो स्ट्राइक्स होती थी, एहतजाज होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारे जितने भी 5-स्टार होटल, जो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट थे वो काफ़ी वहाँ पे इस्लामाबाद के होने की वजह से वहाँ पे नुकसान उठाते थे. इस टाइम पे रियल स्टेट ने जितना भी मलिक रियाज ने, क्योंकि मलिक रियाज जो हमारा बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन के अंदर एक चीज़ ही जो बैड पैच होती थी लोगों को कि वो ये था कि वहाँ पर लोकेशन के शहर से बाहर लोकेशन है, जिसमें उन्होंने लास्ट टाइम लाहौर में रिंग रोड को कंसीडर किया. अब जो है फेज़ 8 बहरिया टाउन के जो नीरेस्ट जहां से क्रॉस हो रही है वहां से रिंग रोड अप्रोच कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का पूरा शहर जो है विद इन लाइक 20-30 मिनट्स की ड्राइव पे होगा और विदाउट सिग्नल एंड ट्रैफिक. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट, और इसको देखते हुए ही इन्होंने अब जो पूरा मेन कमर्शियल हब है वो फेज़ 8 के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों के हाईएस्ट बिल्डिंग्स हैं, 5-स्टार होटल्स हैं, 3-स्टार होटल्स हैं, मॉल्स हैं, जो पहले इस शहर के अंदर इस तरीके से इस लाइक स्टैंडर्ड के कंटेन नहीं हुए. पूरे पाकिस्तान, हम लोगों का मेन जो मकसद है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट को स्टडी करना और उनको डेली बेसिस पे अपडेट रखना. उसकी रीज़न ये है कि जब कोई क्लाइंट आए उसका जो बजट है या उसका जो मकसद है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उनको फर्दर ऑनेस्ट होकर गाइड कर सकें, क्योंकि हमारे एक रियल स्टेट में बहुत बड़ा इशू है जो ये है कि यहाँ पे किसी को कोई लीगल स्टेटस के उनके बारे में पता नहीं होता और वो आगे हम लोग सेलिंग कर रहे होते हैं, रेकमेंड कर रहे विदाउट नोइंग एनी NOCs अबाउट द रियल स्टेट सेक्टर एंड सोसाइटीज़. सो ये बेसिकली बड़ा रियल फैक्ट है कि NOC के हम लोगों ने फिर एक कंपेन भी चलाई थी, जिसके अंदर जो है हम लोगों ने वेरिफिकेशन सेंटर रखा है कि आप लोग कॉल करके अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी की, अपनी किसी भी सोसाइटी में जहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वहाँ की NOCs के बारे में, लैंड परचेज है कि नहीं, वहाँ पर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, उस सारी चीज़ों की आप लोगों को हम लोग अपडेट आगा रखते हैं.
इसी तरह यहाँ पे अगर आप लोग इस्लामाबाद में, जो मैंने बताया कि आप लोगों को लाइक बहरिया के अंदर डिफरेंट जो है यहाँ पे कमर्शियल्स इस टाइम पे कंसीडर ओपन हो रहे हैं, जो कि 2024-23 के अंदर आप लोग फेज 8 के अंदर जो मेन स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जिसके अंदर इस टाइम 15-20 प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं, 2023-24 के अंदर वहां पे आप लोग सिंगल यूनिट अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज इट विल बी गोइंग लाइक मिलियंस, वो मिलियंस में कंसीडर होगा। एंड उसका जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है वो यही है कि वहां पे सारा इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं, वहां पे 5-star होटल आ रहे हैं, इवन इंटरनेशनल 5-star होटल के डिफरेंट होटल्स चेन्स के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, जो कि हम लोग कमिंग वीडियोस में आप लोगों को उसके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह हम लाहौर की बात करें, लाहौर इज़ अ यू नो सेकंड बिगेस्ट सिटी इन द पाकिस्तान। सो लाहौर का ये है कि हमारे लाहौर के अंदर ये ट्रेंड जो होटल्स का, अपार्टमेंट्स का ऑलरेडी इतना नहीं था, लाइक लास्ट 2-3 ईयर्स से जो है यहाँ पे लोगों ने काफ़ी जो डेवलपर्स हैं उन्होंने विलाज, होम्स और अपार्टमेंट के साथ रुझान किए, जिसकी वजह से अब ये होता है अपार्टमेंट का, देखें अपार्टमेंट का मेन क्योर पर्पज़ ये होता है कि किसी बहुत एक्सपेंसिव जगह पे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बहुत एक एलीट क्लास जगह हो, वहाँ पे फॉर एग्जांपल एक घर की कॉस्ट होगी 2-3 करोड़, वहाँ पे कोई बंदा अपनी रेजिडेंस रखना चाह रहा है एंड उसकी वहाँ पे लाइक जो बजट है वो लाइक 3-5 मिलियंस है, तो उसके लिए हम लोग ये कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग मिनिमम प्राइस के अंदर जो है वो आप लोगों को अपार्टमेंट कंसीडर करके देते हैं कि आप लोग अपनी पर्सनल शेल्टर रेजिडेंस रख सकें इन अ वेरी गुड प्लेस जहाँ पे लोग अफोर्ड ना कर सकें, और ऑन स्पेशली ऑन इंस्टॉलमेंट्स। सो इस तरीके से लाहौर एक जो आप लोगों का भी, मैं ये बता दूं कि इस टाइम पे पाकिस्तान का रियल स्टेट का ज़ाहिर पंजाब वाली साइड के जो लोग होंगे वो लाहौर इस्लामाबाद में हम लोग रेकमेंड करते हैं, जो सिंध वाली साइड पे होते हैं वहाँ पे हम लोग स्पेशली फर्स्ट प्रायोरिटी पे कराची है, देन आफ्टर दैट उनका मकसद देखते हुए क्योंकि ग्वादर की साइड पर जिनको अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी कोई काम हो उस रिलेटेड रियल स्टेट